आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये गंडियाली की बड़ियाँ। ये देखिए ये वाली बड़ी तो सूख चुकी है, जो अरबी के डंठल की बड़ी है ना वो अभी नहीं सूखी है, तो ये तो लगभग सूख चुकी है। आप सबने बोला था कि इसको बना करके भी बताइएगा किस तरह से बनती है, तो चलिए आज वो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इस बड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने कुकर रख लिया है, क्योंकि ये जो बड़ी है ये कढ़ाई में नहीं बनेगी, ये कुकर में बनेगी, इसको ज्यादा देर तक पकाना पड़ता है। तो मैं देख रही हूँ मैं कुकर में कहीं पानी धोनी है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, इसको मैं सूखने देती हूँ। पहले मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा इसमें ज्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि हमने ये बड़ी जो है हल्की सी इसको रोस्ट करना है, भूनना है इसको हल्का सा। गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे ये बड़ियां, इसको रोस्ट करेंगे हम, बस इसको ब्राउन कलर का करना है, व्हाइट कलर की आपको दिख रही होंगी, हल्का सा आपको ब्राउन भी दिखेगा हालांकि बीच में। तो इनको बस थोड़ी देर हमने रोस्ट करना है, मैं बताती हूँ किस तरह से इनका कलर हो जाएगा। तो अब देखिए मेरी ये बढ़िया रोस्ट हो चुकी है, बस इतना ही हमने इनको रोस्ट करना है। अब हम इनको निकाल लेंगे अलग से बर्तन में, ये देखिए आप कलर इनका, पूरी बढ़िया निकाल दी है। देखिए जो मेरा ऑयल बचा हुआ है ना, थोड़ा सा मैं इसमें और ऑयल डालूंगी, बाकी इसी में ही मैं तड़का दे दूंगी। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी एक लाल मिर्च, उसको मैंने तोड़ के डाला है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। और कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है इनको बनाने का, बस सिंपल तरीके से बनती है। दो तरीके हैं, अगर आप जैसे कभी इसके साथ बनाना चाहते हो ना चपाती के साथ, तो फिर आप इसमें टमाटर लगाइएगा। अगर चपाती के साथ नहीं बनाना चाहते, जैसे मैं चावल के साथ बनाऊंगी, तो बाद में मैं इसमें मलाई और दही ऐड कर दूंगी मिक्स जैसा। अभी मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी जीरा, थोड़ी सी आप अजवाइन भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया, डालूंगी हींग, और थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला इसमें। मसाले ये हमारे अपने घर के हैं, मतलब अपने घर के तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन पीसे हुए खुद देंगे। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हल्दी, और अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर ये बढ़िया। तो अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी, पानी पता क्या थोड़ा सा ज्यादा हमें इसके अंदर डालना पड़ता है, जैसे मैं इसको पका रही हूँ चार आदमियों के लिए, तो मैंने लगभग एक लीटर से ज्यादा ही पानी इसके अंदर डाला है, और तभी ये फूले फूल कर ये बड़ी हो जाती है जैसा आप देख रहे हो। अभी देखिए मेरा पानी कितना सा बचा है, बड़ी मेरी हो चुकी है, एक सीटी मैंने इसको लगाई है, उसके बाद मैंने लगभग 10 मिनट इसको और पकाया है लो फ्लेम में, तो मेरी ये हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी मलाई, और थोड़ा सा मैंने कर डाला है, दही डाला है इसके अंदर। तो बस ये देखिए हो चुकी है मेरी बढ़िया। पीस यानी कि मटर, ये क्या है दादा? कोरिएंडर, धनिया, धनिया बीज, और ये क्या है? पालक बीज। पालक बीज, बीजाई हो रही है। हाँ, ये तीन कुछ बीज हैं, ये आज हम बीजेंगे। दादा ने हल चलाया यहाँ पे अभी, और देखो पीछे आमा। तो खाना मेरा बन चुका है, उसके साथ आपने देख लिया जब मैं खाना बना रही थी तो मम्मी जी और पिताजी वो बीज बीज रहे थे, उसका धनिया वगैरह पालक वगैरह, और थोड़ा सा क्योंकि एक क्यारी हमारी खाली बच गई थी, और वो भी मटर पीस भी हमने बीज दिए। थोड़ा सा अपने खाने के लिए होता है सब कुछ, कोशिश यही रहती है कि अपने घर का ही यूज हो हर चीजें। और अभी मैंने कपड़े धोए थे तो उनको मैं सुखाने डाल रही हूँ। पकड़ लिया दिखा, स्टोर रूम हमारे चूहे का घर, सीवा हो रहा है मुझे चूहा पकड़ना है। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, और नीचे से मैं ऊपर आई थी नहाने धोने के बाद, मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। उससे पहले मैंने एक ब्लॉग अभी बनाया, क्या बनाया, मैंने डिजाइन क्रिएट किया और इसी फोन में, आई मीन वो पुराने वाला फोन ही है, ये ब्लॉग भी उसी में जाएगा। अब नेक्स्ट हो सकता है कि नए फोन से बने, नए जो आएगा अभी नया, अभी क्या वो भी उसको भी 2 साल होने वाले हैं,
पर अभी जैसा पहले वाले ब्लॉग में आपने देख लिया उसका कुछ अभी पता नहीं चल रहा, वो कब ठीक होगा कब नहीं होगा। और दोपहर का मैं टाइम बता दूं आपको, 3 बज चुके हैं अभी। तो अभी मैंने बस ये शूटिंग की और जो एक ब्लॉग बना था उसको भी खत्म किया। अभी मैंने एडिट नहीं किया है, वो आज शाम को जाएगा वो, क्योंकि आप सभी इतना वेट करते हो ब्लॉग का और आप लिखते भी हो, तो इसीलिए फिर हालांकि फोन बार बार हैंग हो जाता है, अगर इसमें ज्यादा जैसे मेमोरी हो जाए तो हैंग हो जाता है, फिर बंद हो जाता है, फिर इसको चालू करना मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी चलिए चलते हैं नीचे और मौसम के नज़ारे में पहले आपको दिखाती हूँ बड़ी की रेसिपी कैसी लगी आपको, प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। अभी भी देखो यहाँ पे हमने सुखाने डाली हुई है वो वाली, ये जो पीछे है ये अरबी के डंठल थोड़े से डाले हैं, हो सकता है और बढ़िया भी डाले हम। ये वो है गंडियाली वाली, ये गंडियाली वाली है, और ये है वो डंठल वाली। तो अभी ये देखिए अभी ये भी नहीं सूखी है, अब इसको टाइम लगेगा, बट ये दूसरी वाली पड़ी तैयार हो गई। फिर भी इसको कुछ और दिन सुखाना पड़ेगा, वरना फिर अगर इसमें थोड़े से भी जैसे रह गई ना भी थोड़ा सा भी गिल्लापन इसमें रह गया तो फिर ये अच्छी नहीं होगी, फिर उसमें जल्दी फंगस आ जाएगी, इसीलिए इसको थोड़े दिन और सुखाना पड़ेगा। सो अभी हम चलते हैं नीचे और थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, 5-10 मिनट ज़्यादा नहीं, तब तक मेरी वीडियो भी एडिट हो जाएगी। वीडियो एडिट इतनी जल्दी तो नहीं होगी लेकिन थोड़ा सा हाँ मैं उसको एडिट कर लूँगी, उसके बाद हम बनाएंगे चाय और बच्चे सुपी और शिवा सोया है अपनी अम्मा के साथ और सुपी की क्लास लगी है अभी, जैसे उसकी क्लास लेट चलती है। चलते हैं, हाँ जैकी भी है, देखो जैकी कर रहा है रेस्ट कैसे देख रहे हो मुझे कैसे देख रहे हैं देखो। चलो ठंड लगेगी, तुझे बंद कर दिया मैंने, सोच रही है मेरी चाय और किस किस का मन कर रहा है चाय पीने का, प्लीज चाय में हाँ? चाय छोड़ो पॉपकॉर्न हाँ? खाने को किसका मन कर रहा है, किसी का मन नहीं कर रहा, अभी नहीं खाएंगे सुबह, क्यों प्लीज अभी नहीं खाएंगे बच्चे, खाएंगे? मैं दही डालने वाली थी इसमें, मैं दही डालने वाली थी चाय में, दही वाली चाय पी आपने कभी? आज पी लेती पर हाँ। तो चाय में बताया मैं क्या डालती हूँ, काली मिर्च और इलायची जरूर डालती हूँ और बाकी कभी अदरक भी चल पड़ता है। चलिए इसमें डाल लेते हैं दूध, बन रही है मेरी चाय और किस किस का मन कर रहा है चाय पीने का, प्लीज चाय में हाँ? चाय छोड़ो पॉपकॉर्न खाने को किसका मन कर रहा है, किसी का मन नहीं कर रहा, अभी नहीं खाएंगे सुबह, क्यों प्लीज अभी नहीं खाएंगे बच्चे, खाएंगे? मैं दही डालने वाली थी इसमें, मैं दही डालने वाली थी चाय में, दही वाली चाय पी आपने कभी? आज पी लेती पर हाँ। तो चाय में बताया मैं क्या डालती हूँ, काली मिर्च और इलायची जरूर डालती हूँ और बाकी कभी अदरक भी चल पड़ता है। चलिए इसमें डाल लेते हैं दूध, साथ में मैं यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी भी कर रही हूँ, मतलब भिंडी की सब्जी बनने वाली है, तो मैंने सोचा जब तक मेरी चाय होगी, चाय तो वैसे मेरी उबल चुकी है, तो मैंने कहा तब तक मैं भिंडी काट लेती हूँ, फिर मुझे इजी रहता है। ये है, ये गिफ्ट। मोदी को गिफ्ट है बोल रहा है, ये देखो गिफ्ट बोल रहा है, शिवा को देखो, ये जैकी को राखी है, शिवा को राखी है फ्लावर, ये सुबी, ये तो रबड़ बैंड है, इसकी राखी कौन बनाता है भाई, छोड़ छोड़ो, ये सिर पे लगाती हूँ मैं। और ये कुमकुम है हाँ। वो मेरा नंबर 2 भाई कहाँ गया, ओए नंबर 2 भाई, नंबर 2 भाई मतलब जैकी, वो वहाँ भाग गया, उसको शुरू कर रहा है, जा, वो आ गया, ये आ गया, आ गया सुबी, तूने बोला नंबर 2 भाई, वो देखो कैसे आ गया, हाँ वो आ गया नंबर 2 भाई, भाग गया, ले चल कम, सब पहले टीका लगवा ले, ओम हाँ? अरे नंबर 2 भाई, ओम खाने को जूता रहता है हमेशा, ये देखो गिफ्ट किसको मिला है, मैंने सुबी दीदी को देना है आपने, बच्चे हाथ ठंडे हो गए, सुबी कहाँ खेल रहे हैं, देखो गाय की खुरली है ये, जहाँ खेल टीका लगा लो भाई जी, लग गया, ये क्या जब मर्जी की तब भी रक्षाबंधन है, वो टोपी कैसे पहननी है देखो, शिवा टोपी कैसे पहन, चलो अब चलो ऊपर, अब चलो ऊपर, बच्ची पता है ना तेंदू तुंदू का खतरा रहता है, चल जैकी आज आप हाथ, चलो चलो अब मैंने लकड़ी लानी है, बस हो गया, हो गया, आज जैकी ले जाएगा तेंदू उठा के, फिर लगेगा पता, जैकी
और नंबर टू भाई तेरे लिए फोन बजा के रखे हैं। साफ करके देना। गिफ्ट है खोल दो। बहुत अच्छा गिफ्ट है शिवा का। वाह मुझे नहीं पता इसके अंदर है पर कुछ पता नहीं क्या लाया है। टांटे टांटे क्या डाला है इसमें दिखाओ जरा। क्या है क्या है इसमें पता नहीं अभी देखती हूँ खोल के क्या डाला। इसने डाला है शिवा ने इसने डाल दिया कुछ बंद तो मैंने किया है डाला है। अरे वाह कितना अच्छा गिफ्ट दिया तुझे देखो मैंने डाला है मैंने ही डाला है। ये रहा आपका गिफ्ट बोलो मुझे कौन खिलाएगा दीदी। ये रहा आपका गिफ्ट बोलो। ए, मेरा गिफ्ट कुत्ता चुरा रहा है। चलो भागो 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 जाओ ऊपर ऊपर जाओ। शुभ कैसा भाई है दही खिला मुझे। जोकी जोकी ने किया को बहुत बड़ा करनामा का नामा गंदा बॉय बैड बॉय ये क्या किया। चलो 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 भाभी नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे की दोपहर है अभी मैं सुबह को लेने जाऊंगी। उससे पहले मुझे इस ब्लॉग को खत्म करना था। शिवा चुप हो जा भाग गया। जब जो लास्ट क्लिप देखा ना अपनी अगर तो थोड़ी देर पहले जब सुबी रक्षाबंधन का क्लिप बनाया था सुबी ने वो वाला आपने देखा होगा उस टाइम भाग गया था ये। शिवा शिवा सो नीचे शिवा बात नहीं करने दे रहा था। मैंने सोचा अभी ऊपर आके आपसे बात कर लेती हूँ। पता क्या हुआ शाम को जो आपने शाम वाला क्लिप देखा ना पहले जब सुबी रक्षाबंधन की वो कर रही थी मतलब उसको वैसे खेलते रहते हैं वो दोनों तो तभी जैकी यहाँ से भाग गया। मैं पता कहाँ से बोलूँ जो आपने देखा क्लिप यहाँ से भागा वो यहाँ से भाग गया। और शाम का टाइम था उस टाइम मैं लकड़ी लाने गई थी चूल्हा चलाने के लिए और मैंने फटाफट से लकड़ी लाई। मम्मी जी ने बोला इसको बांध दे तो वो भाग गया उस टाइम भाग गया वहां से ऊपर और फिर ऐसा भागा कि अंधेरा हो गया। हम उसको आवाजें डाल रहे हैं कहाँ गया दिख नहीं रहा था यहाँ से और बिल्कुल अंधेरा हो गया था। सुबी तो ठीक परेशान हो रही थी ये तो ठीक ठाक परेशान हो गई थी। हम सभी मूर्ति लेके बैठी हुई थी दादा के कमरे में। हाँ कि भगवान जैकी आ जाए। मैं एक बार तो हमें ऐसा लगा कि उसको खा लिया तेंदुए ने खा लिया होगा उसको पक्का क्योंकि वो आया नहीं अंधेरा हो गया मुझे लग 6:30 बजे के बाद। आप देखते हो आजकल 6:30 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है वैसे तो 6:30 बजे तक बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो उसको डालते रहे। फिर पिताजी ऊपर तक गए वहां ऊपर जो मैंने दिखाऊ एक आजकल तो नहीं दिखती ऊपर जैसे आपको काउ सेट दिखेगा एक हाँ तक चले गए थे पिताजी और वो टॉर्च लेके इधर से उधर उन्होंने ढूंढा फिर परे चले गए। फिर पड़ोसियों को फोन किया उन्होंने बोला वहां पे भी नहीं आया है क्योंकि पीछे जैसे वो भाग गया था तो वो पड़ोसियों के वहां पे चला गया था। तो फिर क्या हुआ कि फिर काफी देर हम उसको बुलाते रहे मैं भी यहाँ से उसको बुलाती रही लेंटर पे आके लाइटे लूटे जला के लेकिन हमने सोच ही लिया था कि अब उसको उठा लिया तेंदुए ने पक्का। तो बस फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मम्मी जी बाहर निकले मतलब 6:45 बजे के आसपास की बात है। अभी गाय से काउ मिल्किंग भी नहीं की थी उसी चक्कर में। तो फिर वहां पे इधर से आ रहा है बंदा वहां से पता नहीं कहाँ क्या कर रहा था इतनी देर तक क्योंकि अंधेरे में वो डरता है वो एकदम से वापिस आ जाता। तो मुझे 7 बजे के आसपास वो आया होगा और हमें तो लगा कि इसको खा लिया होगा पक्का वो नहीं अब आएगा। तो इतना उसने परेशान कर दिया था पता नहीं क्यों भागा ऐसे वो इसीलिए हम उसको ज्यादातर खुला नहीं छोड़ते क्योंकि वो भाग जाता है फिर और आने का नाम भी नहीं लेता। फिर कई होते हैं ना कि जैसे बुलाएंगे तो वापस आ जाएंगे। उसने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया ना भोंका जरा सा कुछ भी नहीं। तो इतना परेशान हो गए थे हम कल शाम को। सो चलिए इसी के साथ ही मैं ब्लॉग को भी खत्म कर रही हूँ क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप आप ब्लॉग इंजॉय कर रहे हैं प्लीज कमेंट करते रहिए। थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।